जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा, इन हाउ मेनी वे कैन कमेटी शेड्यूल थ्री स्पीकर्स फॉर थ्री डिफरेंट मीटिंग इफ दे आर अवेलेबल ऑन एनी ऑफ फाइव पॉसिबल डेट। यानी कि कोई पांच पॉसिबल डेट पे थ्री जो है पर्सन वो अवेलेबल हैं तो वो मीटिंग अरेंज करानी है। देखिए इस क्वेश्चन को या तो आप परमोटेशन कंपोनेशन के बारे में अगर आपको नॉलेज है तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए किस तरह से, देखिए परमोटेशन कंपोनेशन में मतलब क्या होता है आपका, ये एन एन पी और आर, इसका मतलब होता है आपका एन फैक्टोरियल अपोन में एन माइनस का आर और ये फैक्टोरियल। तो यहाँ पर जो दे रखा है इसने पॉसिबल जो डेट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, फाइव, यानी कि एन की जो वैल्यू होगी मेरे पास में फाइव होगी, और जो पर्सन दे रखे हैं वो कितने, थ्री। तो वो ये आर होंगे जो सिटिंग कराने मेरे को, ये कितने हैं आपके, थ्री पर्सन। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका फाइव फैक्टोरियल अपोन में फाइव माइनस का थ्री, तो ये टू फैक्टोरियल हो जाएगा आपका। इसको लिख सकते हैं हम लोग फाइव फोर थ्री और टू फैक्टोरियल अपोन में टू फैक्टोरियल, तो ये इससे कट जाएगा। तो पाँच चौक बीस और बीस तीस 60, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो 60 आएगा। 60 तरीके हैं जिस तरह से हम मीटिंग को अरेंज करा सकते हैं। ये मेरे से एग्जामिनर ने पूछा था। इसको डिटेल में समझना तो आपको परमोटेशन कम्बिनेशन समझना पड़ेगा। फिर भी एक बार समझ लेते हैं कि टोटल जो दे रखे थे उसने मुझे डेट दे रखी थी पॉसिबल वो फाइव दे रखी थी, और सिटिंग कराना था मुझे तीन पर्सन को, तो यहाँ पर एन मेरा फाइव होगा और आर मेरा थ्री होगा। तो n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस का r फैक्टोरियल, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखा आपका फाइव फैक्टोरियल, तो इस फैक्टोरियल का मतलब होता है कि फाइव फोर थ्री टू और वन, ये फैक्टोरियल का मतलब होता है कि वन से लेकर फाइव तक के सारे मल्टीपल हैं इसमें, वन फोर टू टू थ्री और वन। इसको हम लोग डायरेक्टली इसमें लिख सकते हैं आपके फाइव फैक्टोरियल में। तो मैंने यहीं पर ये क्या किया, फाइव फैक्टोरियल को मैंने टू फैक्टोरियल तक खोल लिया, क्योंकि नीचे मेरे पास तीन टू फैक्टोरियल बैठा और टू फैक्टोरियल कट के आप मल्टीप्लाई करने पे 60 आ गया। आइए इसको अब देखते हैं कि अगर आपको इस तरह से नहीं करना, नहीं है फैक्टोरियल के बारे में आपको नॉलेज, तो आप एक काम कीजिए, ये तीन पर्सन है, इन तीन पर्सन को बिठाना है तो आप तीन बॉक्सेस बना लीजिए। मैंने यहाँ पर तीन पर्सन हैं और तीन बॉक्सेस बना लिए, और उनको बिठाना है कितनी, पाँच पॉसिबल डेट पे बिठाना है। तो यानी कि अगर मैं पहले पर्सन को बिठाऊंगा, यानी कि यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, तो मेरे पास टोटल कितने पॉसिबल डेट है, पांच पॉसिबल डेट है, यानी कि पांच में से एक डेट पर मेरा पहला पर्सन आएगा, तो यानी कि मैं यहाँ पे पांच वे लिखूंगा उसका। दूसरे पे यानी एक तो चला गया, एक डेट में चलेगी, अब बची मेरे पास कितनी, चार डेट, तो चार पॉसिबल डेट पे मेरा यहाँ वाला ये वाला पर्सन आ सकता है, यानी कि और चार डेट में से एक डेट चला गया तो मेरे पास तीन बचा, तो तीन ये पे मेरे पास आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए फोर फाइव फोर और थ्री, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 60 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। आपको परमोटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में थोड़ी सी नॉलेज तो रखनी पड़ेगी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।